आई बेटा दिस साइड सीए सीएस हरीश माथारिया सीए फाउंडेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर 2 है बेटा पिछले लेक्चर में हमने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कितने नंबर का है पेपर पैटर्न कैसा रहेगा कौन से टॉपिक का वेटेज कितने नंबर का रहेगा ये सारी चीजें देखी थी और बेसिक टर्म हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने सबसे पहली बेसिक टर्म देखी थी बेटा सबसे पहली बेसिक टर्म हमने देख लिया था एसेट एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस फॉर एक्साम्पल कैश कार कंप्यूटर फर्नीचर लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी गुडविल पेटेंट राइट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये सारी बेटा असेट्स में बेसिकली दो टाइप की असेट है एक तो मैं बोलूंगा बेटा प्लीज ध्यान देना टेंजिबल अट और दूसरी होती intangible intangible है बेटा इंटेंजिबल अट इनजिबल अदृश्य जिसको देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते फील कर सकते सिर्फ सर इंटेंजिबल अट के कुछ एग्जांपल्स जैसे गुडविल बिजनेस का नेम फेम कॉपीराइट कॉपीराइट जैसे मैंने अकाउंट के ऊपर जो मेरी नोट्स छाप करके रखी है पब्लिकेशन वाला आया मेरे पास बोला हरीश सर आपकी लिखी हुई अकाउंट्स की नोट्स की हम लोग कॉपी बना के बेचना चाहते हैं तो मैंने बोला ठीक है आपको मुझसे आपको मुझसे उस बुक का कॉपी खरीदना होगा आपको कॉपी करते आए ये राइट में आपको बेच सकता हूं ये सर नो कॉपी भी मेरी असेट है क्योंकि इस असेट से मुझे फ्यूचर में पैसे मिलने वाले या इस असेट से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है हर वो रिसोर्स जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उस रिसोर्स को मैं प्यार से असेट बोल देता हूं असेट में इंटेंजिबल गुडविल कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क एक्सेट्रा ये सारी इंटेंजिबल असेट है और टेंजिबल असेट का एग्जाम्पल जैसे कैश है कार है फर्नीचर कंप्यूटर लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा ये सारी टेंजिबल और अगर मैं असेट को क्लासिफाई करने के लिए सोचू तो असेट को मैं ऐसे भी क्लासिफाई कर सकता हूं देखो बेटा फिक्स असेट फिक्स असेट या इसी को मैं प्यार से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलूंगा हे ऑन मेरे साथ फिर से बोलना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी पी आर ओ पी आर टीवाई प्रॉपर्टी लिख लो प्लीज प्लीज लिख लो प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरी बेटा करंट अट मैं असेट को क्लासिफाई कर सकता हूं ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्लासिफाई करना टेंजिबल इन टेंजिबलनेस की बात करूं तो ऐसे क्लासिफाई करना

डेटर्स आ जाएंगी कैश आ जाएगा इन्वेंट्री स्टॉक अनसोल्ड गुड्स ये और नो इन्वेंट्री यानी क्या स्टॉक अनसोल्ड गुड्स ये सारी करंट असेट है डोंट वरी आगे हम लोग इसके ऊपर फिर से आने वाले तो सबसे पहली बेसिक टर्म हमने देख लिया था असेट दूसरी बेसिक टर्म है मेरे बच्चे कैपिटल दूसरी बेसिक टर्म है कैपिटल कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा इन मनी और मनी वर्थ उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से कैपिटल बोलेंगे इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इन मनी और मनी वर्थ इन मनी और मनी वर्थ इन मनी और मनी इज वर्थ पैसा या पैसे की कीमत में ओनर जो कुछ लेके आएगा उसको कैपिटल बोलेंगे भले ही आपका इलेवन कॉमर्स होगा भले ही आपको सौ में से सौ नंबर आए होंगे बट प्लीज ध्यान देना तीसरी टर्म है बेटा ड्रॉइंग अपोजिट ऑफ द कैपिटल ओनर बिजनेस में कुछ ला रहा है कैपिटल बढ़ेगा ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है उस विड्रॉल को ड्रॉइंग बोलेंगे अपोजिट ऑफ द कैपिटल लिख लो अपोजिट ऑफ द कैपिटल अपोजिट ऑफ द कैपिटल ओनर ने पर्सनल अपने हाउस होल्ड डोमेस्टिक या पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस से पैसे या पैसे की कीमत में कुछ भी विड ड्रॉल किया तो उसको ड्रॉइंग बोलेंगे ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए बिजनेस से पैसा लिया ड्रॉइंग ओनर ने अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा लिया ड्रॉइंग ओनर ने पर्सनल पर्पज के लिए पैसा लिया ड्रॉइंग या फिर ओनर ने बिजनेस से माल लिया पर्सनल पर्पज के लिए किराना शॉप था ओनर ने अपने घर के किचन के लिए किराना शॉप से शक्कर लेके गया पांच सौ रुपए की तो वो भी ड्रॉइंग

अमाउंट इज रिसीवेबल पैसे या पैसे की कीमत में कुछ लेना है फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनी इज वर्थ में कुछ लेना है फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा ये कैलकुलेटर बाहुबली को उधारी में बेच दिया पाँच सौ रुपए का उससे अभी तक पांच सौ रुपए आए नहीं इन फ्यूचर आएंगे तो बाहुबली यू आर माई डेटर जब भी किसी पार्ट या पर्सन से हमें इन फ्यूचर कुछ लेना है तो उस पार्ट या पर्सन को हम लोग डेटर बोलते हैं डेटर के अपोजिट है बेटा क्रेडिटर क्रेडिटर्स पार्टी और पर्सन टू होम टू होम अमाउंट इज पेबल जिसको इन फ्यूचर मनी और मनी वर्थ में देना है मैंने माता शिवगामी से माल खरीदा पांच हजार रुपए का उधारी में मैंने भी पैसे नहीं दिए पैसे मैं इन फ्यूचर दूंगा किसको दूंगा शिवगामी को सो so, शिवगामी इज माई क्रेडिटर जब भी किसी पार्ट या पर्सन को इन फ्यूचर कुछ देना है तो वो पार्टी या पर्सन मेरी क्रेडिटर जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर कुछ लेना है मनी और मनी में, तो जिससे लेना है वो डेटर जिसको हम देंगे वो क्रेडिटर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस खर्चे ये वो बिजनेस के पेमेंट है जो बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग इनकर करते हैं

सब खर्चे हैं एक्सपेंस के अपोजिट इनकम इनकम इसके एग्जाम्पल लिख लेना सभी ने सैलरी कमीशन पेड डिस्काउंट अलाउड इंटरेस्ट पेड रेंट पेड फिर से बोल रहा हूं लिखो प्लीज लिखो सैलरी एस एल आर वाई डिस्काउंट अलाउड कमीशन पेड रेंट पेड प्रिंटिंग स्टेशनरी चार्जेस एक्सेट्रा और इनकम के एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम का सेल मैंने माल बेचा सौ रुपए का सेल या तो सौ रुपए आ गए तो भी इनकम सौ रुपए नहीं आए इन फ्यूचर आना बाकी है उधारी में बेचा तो इन फ्यूचर आना बाकी है उधारी में बेचा तो इन फ्यूचर आना बाकी है तो भी सेल सेल नगद भी हो सकता है सेल उधारी में भी हो सकता है सेल कोई भी रहो नकदी रहो कि उधारी रहो सेल तो मेरा इनकम है सर उधारी में बेचा तो कैसे इनकम है तो क्या हुआ पैसा नहीं आया लेकिन उससे पैसा वसूल करने का लीगल राइट तो आ गया इन फ्यूचर उसने पैसा नहीं दिया तो उसको घसीट के कोर्ट में ले जा करके पैसे वसूल कर सकता हूं माइ इनकम मुझे डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है कमीशन मिल रहा है कमीशन दे रहा हूं तो एक्सपेंस मिल रहा है तो इनकम रेंट मिल रहा है एक्सेट्रा ये सब मेरी इनकम उसके बाद गेंस बैठे बिठाए विदाउट एनी हार्ड वर्क विदाउट एनी हार्ड वर्क ये ऊपर के एग्जांपल्स लिखे ना अपने एक्सपेंसेस के सैलरी डिस्काउंट अलाउड कमीशन पेड रेंट पेड है ना विदाउट एनी हार्ड वर्क आपको जो कुछ मिल रहा है वो सब क्या है बेटा आपका गेन बैठे बिठाए लॉटरी का टिकट लग गया गेन लिख लो एग्जांपल लॉटरी टिकट विन अ लॉटरी विन डब्ल्यू आई एन विन अ लॉटरी पहला एग्जाम्पल दूसरा बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए गेन विदाउट एनी हार्डवर्क जो मिलता है गेन हार्डवर्क करने के बाद जो मिलता है वो इनकम लॉसेस आउटफ्लो तो हो गया पेमेंट तो हो गया बिजनेस से पैसा तो चला गया बट नो बेनिफिट लॉस no तो हम लोग उसे बोलते हैं तो लॉस है, बिजनेस से माल चोरी हो गया आउटफ्लो हो गया माल चला गया कैश चली गई लेकिन बेनिफिट मिला कुछ नो no. तो वो हो गया लॉस ड्यू टू थेफ्ट आग लग गई लॉस ड्यू टू फायर भूकंप आ गया लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक यस और नो उसके बाद असेट हो गया कैपिटल हो गया ड्रॉइंग हो गया डेटस क्रेडिटस एक्सपेंस हो गया इनकम गेन लॉसेस हो गया यहाँ पे लिख लो बेटा अभी लाइबिलिटीज टेन टर्म्स ही बता रहा हूं ज्यादा नहीं बताऊंगा बेटा बस टेन है लाइबिलिटीज आर द लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ फिनाशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस मैंने बैंक से लोन लिया बैंक लोन इज माई लाइबिलिटी मैंने किसी पार्टी से पैसा उधार लिया वो उधार मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे वापस करना है जो मुझे लौटाना है इन मनी और मनी इज वर्थ ऑल फिनेंशियल ऑब्लिगेशन मैंने आपको मेरे घर पे खाना खाने बुलाया और घर आने के बाद खाना ही नहीं खिलाया ये मेरी सोशल ऑब्लिगेशन थी कि आपको मैंने अगर बुलाया है तो आपको घर आके प्रॉपर आदर सम्मान के साथ खाना खिलाओ बट मैंने नहीं खिलाया तो मैंने मेरी सोशल ऑब्लिगेशन को ब्रेक किया ये मेरी ऑब्लिगेशन नहीं थी मतलब कौन सी इन मनी और मनी को हम लोग प्यार से लाइबिलिटी बोल बोलेंगे तो यहां परेशन की मैं बात कर रहा हूं यस और नो सो टोटल कितनी टर्म्स पढ़ा रहे बेटा आपने टोटल कितनी टर्म्स पढ़ लिया जरा देखना एसेट एसेट ड्रॉइंग प्लीज ध्यान दे दो डेटर्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस असेट के अपोजिट क्या है लाइबिलिटीज ड्रॉइंग के अपोजिट क्या है बेटा कैपिटल डेटर्स के अपोजिट है क्रेडिट एक्सपेंसेस के अपोजिट है इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट है गेंस ओ हो 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर आप मेरी नजर से देखोगे तो ये टेन नहीं फाइव टर्म ही है ये पांच और ये पांच की अपोजिट ये पांच ये पांच ऐसे ड्रॉइंग डेटस एक्सपेंस लॉसेस असेट के अपोजिट लाइबिलिटी ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल डेटस के अपोजिट क्रेडिटस एक्सपेंस के अपोजिट इनकम लॉसेस के अपोजिट गेन सो so, ऊपर की पांच उसके अपोजिट असेट के अपोजिट लाइबिलिटी ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल डेटस के अपोजिट क्रेडिटस डेटस पार्टिया पर्सन जिनसे पैसा लेना है जिनको पैसा देना है खर्चे इनकम लॉसेस गेन असेट संपत्ति लाइबिलिटी देना है मुझे उधार है मेरी और ओनर बिजनेस में ला रहा है मनी और मनी इस वर्थ में ओनर पर्सनल अपने जेब से बिजनेस में कुछ लाता है ओनर अपने जेब से बिजनेस में कुछ लगा रहा है कैपिटल और ओनर अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है तो ड्राॅइंग बस ये ऊपर की पांच ही टर्म याद रखना है उसके बाद नीचे की पांच अपोजिट है बस इतना ध्यान रखना बेटा और आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहां से आगे अभी ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूं वो आप सिर्फ याद करके रख लेना उसका लॉजिक वगैरह आपको सब धीरे 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 समझ में आ जाएगा ये एक चीज याद रखना है मैं आपको गुरु मंत्र ब्रह्मास्त्र राम बाण अकाउंट सब्जेक्ट का जो गुड़ अंदर का जो ज्ञान है वो अभी सिर्फ लिख करके बता रहा हूं आपने एज इट इज़ लर्न कर लेना आगे हर चीज़ का लॉजिक समझ में आ जाएगा अभी बात निकली है दिल के तार छिड़े इसलिए सिर्फ काले बॉक्स में जो लिखा है इसका लॉजिक आपको आगे मैं बताऊंगा अभी सिर्फ लिख के रखना ये दुनिया के जितने भी असेट के अकाउंट है ड्राॅइंग अकाउंट है डेटस अकाउंट है एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंट है इनका हम सुनना सुनना इनका हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा और इनका हमेशा 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 के लिए क्रेडिट बैलेंस रहेगा बस इतना ध्यान रखो सर ये क्या है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सुनना जरा जब भी धंधा होता है तो धंधे में ट्रांजैक्शन व्यवहार होता है व्यवहार के लिए मिनिमम दो पार्टी लगती है और व्यवहार में क्या होता है मेरे बच्चे लेन देन होता है क्या होता है जब आप किसी से कुछ ले रहे हो ये आप हो जब आप किसी से कुछ ले रहे हो तो आपको किसी और को बदले में कुछ देना होगा तो लेन देन होता है और हर बार ये लेन देन इक्वल होता है बस ये दो एस्पेक्ट है कोई भी व्यवहार के कोई भी ट्रांजैक्शन के इसीलिए अकाउंटिंग की भी दुनिया में दो ही एस्पेक्ट है डेबिट को प्यार से डी डॉट डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हैं आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अकाउंटिंग में दो ही आस्पेक्ट क्यों तो उसको बोलने आ बैठ धंधे में लेन देन होता है ट्रांजेक्शन होते हैं ट्रांजेक्शन के दो अप्रोच है दो आस्पेक्ट है दो नजरिए है और वो दो नजरिए कौन से लेन देन बस वहीं पे हम लोग बोलते हैं कि हर बार डेबिट क्रेडिट आस्पेक्ट इक्वल रहेगा क्योंकि लेन देन इक्वल होता है सर ओ सर अब जरा बताना ये देन डेबिट है कि क्रेडिट है लेन डेबिट है कि क्रेडिट है हाँ 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 ये ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन डिफर करता है कभी कभी देन यानी डेबिट कभी कभी देन यानी क्रेडिट कभी कभी लेन यानी डेबिट कभी कभी लेन यानी क्रेडिट बिल्कुल चिंता मत करना दूध पिता बच्चा भी बताएगा ये ट्रांजेक्शन जब मैं पढ़ूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आस्पेक्ट डेबिट है कौन सा क्रेडिट है अभी बस इतना ध्यान रखना लेन देन इक्वल होते हैं इसलिए बिजनेस में डेबिट आस्पेक्ट क्रेडिट आस्पेक्ट है और ये भी दोनों हर बार टैली होते हैं

और यहाँ पे पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला लॉस असेट के अपोजिट लाइबिलिटीज फिनेंशियल ऑप्लीकेशन ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस ओनर अपने जेब से बिजनेस में मनी और मनीज वर्क में लगा रहा है क्रेडिट एस पार्ट या पर्सन जिसको हम लोग इन फ्यूचर में कुछ देंगे इनकम जैसे सेल है डिस्काउंट मिल रहा है कमीशन मिल रहा है बिजनेस की ऑपरेटिंग रिसीट है बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इनकम और गेन विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल रहा है तो ये कैटेगरी में जितने भी अकाउंट्स आएंगे हे कमॉन प्लीज ध्यान देना ये कैटेगरी में जितने में बार बार बोल रहा हूं मैं पागल नहीं हूं प्लीज ध्यान दे दे ये कैटेगरी में जितने भी अकाउंट आएंगे ऐसे ड्रॉइंग डेटस एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम्स और गेंस ये कैटेगरी में जितने भी अकाउंट्स आएंगे आर ऑलवेज 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 हैविंग क्रेडिट बैलेंस वेट मैंने ये बोला इनका डेबिट बैलेंस है मैंने ये नहीं बोला है कि अकाउंट हमेशा डेबिट होने वाले मैंने क्या बोला इनका डेबिट बैलेंस है मैंने क्या बोला ये सारे अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है अब अकाउंटिंग की दुनिया में तो वही चीज़ है डेबिट और क्रेडिट सर हमें तो है ना ये समझ ही नहीं आता है अकाउंटिंग करते वक्त कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है बिल्कुल चिंता मत करना ये एक चीज़ लिख करके रख लेना मैथ्स आप इतना तो आपको पता ही है प्लस थ्री को अगर प्लस फाइव करना है तो यहाँ पे टू भी हम लोग क्या करते हैं प्लस ही करते हैं सो प्लस नंबर को अगर बढ़ाना है तो प्लस करो प्लस नंबर को अगर कम करना है प्लस नंबर को अगर कम करना है तीन से एक पे आना है तो माइनस करना पड़ता है सो डेबिट बैलेंस को अगर बढ़ाना है तो डेबिट करो क्रेडिट बैलेंस को अगर और बढ़ाना है तो क्रेडिट करो सर बढ़ाना कम होना समझ में नहीं आ रहा है चिंता मत कर भाई ये सब समझ में आएगा आसान भाषा में डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो सर हमें कैसे समझेगा कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है भैया तुझे ये ट्रांजेक्शन से समझ में आएगा ट्रांजेक्शन पढ़ना है मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है बस बढ़ना या कम होता ही है तीसरा कुछ नहीं है या तो कोई अकाउंट बढ़ेगा जैसे धंधे में कैश आया तो कैश अकाउंट बढ़ गया हमने सैलरी पे किया किसी को पेमेंट किया तो कैश कम हो गया कार खरीदी तो कार नाम का अकाउंट बढ़ गया कार बेच दी कार नाम का अकाउंट कम हो गया तो धंधे में दो ही चीज होती है बढ़ना या कम होना बढ़ना या कम होना तीसरा कुछ नहीं होगा और सर क्या बढ़ेगा क्या कम होगा बस इन्हीं टेन कैटेगरी के अकाउंट्स में कुछ बढ़ेगा है कुछ कम होगा सीए फाउंडेशन सी एंटर सीए फाइनल एलेवन ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड सीबीएसई बोर्ड बीकॉम एमकॉम कॉम एम जहां कहीं पे भी अकाउंट्स आया आपके पूरे अकाउंट्स की दुनिया में इस अर्थ पे इस पृथ्वी पे इससे ज्यादा और कोई अकाउंट नहीं बनने वाला है टेन कैटेगरी से ज्यादा मतलब सर अपू सीए फाइनल दुनिया के सारे अकाउंट ये टेन कैटेगरी आ जाएंगे हा और सर ये पांच कैटेगरी के, के अकाउंट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा मतलब अगर ये पांच कैटेगरी के, के अकाउंट्स इनमें से कोई भी अकाउंट अगर बढ़ता है तो डेबिट करो क्योंकि हमने अभी देखा प्लस को और बढ़ाना है तो प्लस करो या माइनस को और बढ़ाना है माइनस को और बढ़ाना है माइनस तीन से माइनस पांच पे जाना है तो माइनस करो सो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो अपोजिट बोलने का काम नहीं है डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट करो क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो डेबिट करो ये जो डब्बे में लिखा समझ में आया तो ठीक नहीं तो छोड़ देना अभी सिर्फ आपको इतना भी समझ में आया दुनिया में दस कैटेगरी के अकाउंट है ऐसे ड्रॉइंग डेटा एक्सपेंस लॉसेस है कम ऑन Drawing, datas, expense, losses. और ये पाँच के अपोजिट लाइबलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन तो ये पांच कैटेगरी के, के अकाउंट का एसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस कम और मेरे साथ बोलना एसेट मैं पागल नहीं हूँ प्लीज लर्न करो एटलीस्ट ये एक चीज आपको याद होनी चाहिए हमेशा लॉसेस ये पांच कैटेगरी के अकाउंट्स का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है मतलब ये पांच कैटेगरी के अकाउंट्स ऐसे ड्रॉइंग डेटस एक्सपेंस लॉसेस ये पांच कैटेगरी के अकाउंट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो ये पांच कैटेगरी के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो इन पांच के अपोजिट ये लाइबिलिटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन ये लाइबिलिटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन लाइविटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन ये पांच कैटेगरी के अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी कैपिटल ग्रेटर इनकम गेन इनका क्रेडिट बैलेंस है बढ़ते है, तो क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट सर बढ़ना कम होना कहाँ से समझेगा ट्रांजेक्शन से सर जरा बताओ तो कैसे समझेगा अभी बताता हूं प्लीज ध्यान देना अभी बताता हूं बेटा अकाउंटिंग की दुनिया में बस डेबिट क्रेडिट ही है और कुछ नहीं है प्लीज ध्यान दे मेरे बच्चे जो बच्चे का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उसको थोड़ी चिंता हो रही होगी सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है बढ़ना कम होना कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा शांत भाई सब समझेगा चिंता न को चल देख तो मैं बता रहा हूं देखो देखो ध्यान देना बेटा मान लो जिसे मान लो बिजनेस में कार खरीदा और कैश पे कर दिया बरबर है कार खरीदा कार कार, कार अकाउंट कार खरीदा तो कार अकाउंट बनेगा ना और कैश पे किया कैश जो बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड है पहले पढ़ा हुआ है बच्चे को एंट्री मन में आ भी गई कार टू कैश भाई मेरे प्लीज फिर भी ध्यान दे दे क्योंकि मैं ये एंट्री आपको ये रूल समझाने के लिए बता रहा हूं रूल समझना बहुत जरूरी है सो फर्स्ट स्टेप जैसे ही ट्रांजेक्शन पढ़ते हो तो उस ट्रांजेक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट होगा वो देख लो ट्रांजेक्शन क्या था कार खरीदा कैश पे किया क्वेश्चन में दिया है कार खरीदा कैश पे किया कार अकाउंट बना कैश अकाउंट बना कार अकाउंट पे क्लासीफाई होगा कार अकाउंट पे क्लासीफाई होगा असेट में असेट का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस तो कार का भी कौन सा बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस याने कार अगर बढ़ती है तो डेबिट करो ये रूल है ना डेबिट बैलेंस का बढ़ता है तो डेबिट करो कम हुआ तो क्रेडिट करो और ये था दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है चेक कर बेटा कार खरीदा बिजनेस में कार आ गई तो कार बिजनेस में कार आ गई तो बिजनेस में कार बढ़ गई बिजनेस में कार आ गई कार खरीदा कार आ गई यानी कार अकाउंट बढ़ गया कार अकाउंट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया तो उसको डेबिट करो दैट्स इट गेम ओवर उसके बाद आगे चलते हैं कैश अकाउंट कैश ये कहां पे क्लासिफाई होगा कैश ये क्लासिफाई होगा असेट में कैश ये भी तो असेट है असेट का फिर से कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस तो कैश का भी कौन सा बैलेंस फिर से डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस को डीआर डीआर डेबिट रिकॉर्ड्स डीआर ठीक है डेबिट बैलेंस का रूल क्या है बढ़ता है तो डेबिट करो कम हुआ तो क्रेडिट करो बोल मेरे बच्चे कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है हमें क्या बताया बढ़ रहा है कि कम हो रहा है हे ट्रांजेक्शन बता कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कार खरीदा कैश पे कर दिया कार खरीदा कैश पे कर दिया कैश पे किया इन्हें बिजनेस से कैश चली गई कैश 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 कम हो रही है कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो ओ हो हो डेट इट गेम ओवर गेम ओवर देखो जरा तो हम लोग लिख देंगे जो भी तारीख थी हमने कार खरीदा भैया कार अकाउंट क्या हो रहा है भैया कार अकाउंट डेबिट हो रहा है कार अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट क्या हो रहा है भैया क्रेडिट तो जो अकाउंट क्रेडिट होता है ना उसको कैसे लिखना है थोड़ी सी यहाँ स्पेस दे देना और लिखना टू कैश अकाउंट कितने की कार लिया आपको समझाने के लिए दस हजार की ये डेबिट वाला अमाउंट है कार अकाउंट डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला अमाउंट दस हजार रुपये की कार ले लिया कुछ थारे इसमें यस और नो ओ हो सर ये आपने क्या बनाया फॉर्मेट है क्या यस जर्नल एंट्रीज ऐसे मारते हैं सर जर्नल एंट्रीज क्या है अरे धंधे में जो कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है रिकॉर्डिंग इसे जर्नल एंट्री कहते हैं बींग कार परचेज मैं बहुत डिटेल में एकदम ग्रास रूट लेवल से बताऊंगा यहाँ पे हर एक बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है ये ही सोच के मैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ पहले बता रहा हूं मेरा लेक्चर जो कोई भी बच्चा अटेंड करेगा उसके पास पेशेंस बहुत पेशेंस होना बहुत जरूरी है शांता भाई आराम से बिल्कुल घाई नहीं करने का भले इलेवेंथ ट्वेल्थ में सौ में सौ मिले होंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो गई रात गई बात गई पास्ट इज पास नेवर अगेन इन फ्यूचर अब ध्यान देना है मेरे भाई आपने अब ध्यान देना है जो पढ़ा उसको एज इट इज फॉलो करना है यस और नो जो टर्म नहीं समझ में आई व्हाट्सएप नंबर आपके पास है उस पर फटाक से आपने पूछ लेना बेटा एकदम जीरो लेवल से हल्लू हल्लू मेरा हाथ पकड़ के प्यार से होले होले हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे जाने वाले ये सब नो सो आसान भाषा में आपको एक चीज समझ में आया तीन स्टेप करना है पहला स्टेप अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो दूसरा स्टेप उसका बैलेंस कौन सा है देखो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है कौन सा यहाँ दोनों अकाउंट का डेबिट बैलेंस था एक अकाउंट बढ़ रहा था तो डेबिट किया डेबिट बैलेंस दूसरे का भी डेबिट बैलेंस लेकिन ये कम हो रहा था तो क्रेडिट किया बोला था ना डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल रहेगा देख लो ये रूल के बारे में ध्यान रखना सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है क्या दुनिया के जितने भी असैड ड्रॉइंग डेटर्स और एक्सपेंस और लॉसेस के अकाउंट है इन सब डेबिट बैलेंस है ये टाइप के अकाउंट ये टाइप के अकाउंट ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजेक्शन से और ध्यान दे ध्यान दे बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के फॉर एग्जाम्पल हमने कार खरीदा और सामने वाले को कैश दे दिया तो सामने वाले पार्टी के पास में कैश बढ़ गई उसको चूल्हे में जान दो हमारे पास कैश क्या हुई कम हुई है सामने वाले के पास कैश बढ़ गई हमारे पास कैश कम हो गई हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को चूल्हे में जान दो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम हुआ ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम हुआ ना कैश कम हुआ ना इसीलिए देखो मैंने क्रेडिट कर दिया यस और सो वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी अदर थर्ड पर्सन क्यों करना है सर ऐसा बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दिस इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है ये concept कहता है भैया सुन ए अकाउंटेंट इधर आ बैठ सुन ओनर अलग पर्सन है बिजनेस अलग पर्सन है तूने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है ये बढ़ना कम होना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है दैट्स इट आपको पता भी नहीं चला आपने कितनी बड़ी चीज सीखी है ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का रूल आपको दस परसेंट भी समझा होगा अभी पांच परसेंट भी समझा होगा तो मोर देन सफिशियंट है चिंता मत करना हजार बार आने वाला है आगे ये सो ना यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो आज हमने क्या देखा आज हमने सारी अकाउंटिंग टर्म्स देखी और इन्हीं सारी अकाउंटिंग टर्म्स को हमने हमारे रूल के अंदर में ढाल दिया इसको मॉडर्न रूल कहते हैं डोंट वरी पर्सनल रियल नॉमिनल के जो पुराने रूल आपने आपनेलेवें कॉमर्स वाले बच्चे ने पढ़े होंगे वो भी बताऊंगा लेकिन ये मॉडर्न रूल है ये ही इनकम टैक्स ऑफिसर को समझता है ये ही टैली को समझता है ये ही आगे, आगे आपको काम आने वाला है और इसी रूल के जरिए आज मैं मेरी अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ यस और नो उम्मीद करता हूँ आपको अभी का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा यस और न इन केस एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर नाइन एट टू टू जीरो नाइन थ्री टू टू जीरो तब तक के लिए अलविदा ठेक केयर बाय बाय लव योर टेक केयर डे बाय